2024 के चुनाव की तैयारी जब शुरू हो गई है तो नीतीश कुमार के तरफ से भी कई तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहला स्टेप यह है कि देश भर की गैर भाजपाई दलों को एकजुट करना, और इस एकजुट करने की प्रक्रिया में वो बड़ी तेजी से लग गए हैं। इसको लेकर के भी अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में ये भी आकलन शुरू हो गया कि नीतीश कुमार कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, और जिन लोगों ने नीतीश कुमार का हाल फिलहाल में साथ छोड़ा है वो नीतीश कुमार के लिए कितना ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। इन सारी बातों को लेकर के आकलन चल ही रहा था कि इसी बीच में जीतन राम मांझी जो कह रहे थे कि बड़ी मजबूती से वो नीतीश कुमार के साथ हैं, उन्होंने कसम तक खाया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जीतन राम मांझी को भी बाहर होना पड़ा। और जीतन राम मांझी ने तो कई आरोप लगाए। इससे पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी का विलय किया था, और नीतीश कुमार ने बड़ा ही मैंने देखने को लग रहा था कि कितना बेहतरीन स्वागत उनका किया है, और यहाँ तक कह दिया था कि मेरे बाद अब इन्हीं लोगों को देखना है। यही बात वो लगातार तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। और अब जबकि जीतन राम मांझी उनकी पार्टी से निकल गए हैं तो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर कैसे चलेगा महागठबंधन। इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी इन बातों की चर्चा हो ही रही थी कि अचानक से नीतीश कुमार ने कल एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के अब ये कहा जा सकता है कि जिस बात की चर्चा और भविष्यवाणी कभी उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में रहते हुए किया था वो अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जदयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार अपने ही इर्द गिर्द के लोगों से घिर गए हैं, और नीतीश कुमार का आने वाला समय बड़ा ही कठिन होने वाला है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के साथ साथ अपनी पार्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा। निकलते निकलते उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, अब वो बातें और भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही कल कहा कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, इसकी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाएं, ये बात इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब पूरी तरह से इस बात को मान चुके हैं कि आने वाला समय जो है वो राजनीति में बड़े उथल पुथल का कारण बन सकता है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से भी बयान आया है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नरेंद्र कुमार, उन्होंने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। नीतीश कुमार ने आखिर ये क्यों कहा कि वक्त से पहले चुनाव होंगे। नीतीश कुमार जी की जो घटती हुई जनाधार है, और आज वो पार्टी जो 5 से 10 लोगों की रह गई है, इसी से बौखला करके उन्होंने ये बयान दिया कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा। उन्होंने 2014 में देखा कि जब वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे उनकी क्या हालत हुई, और उनकी क्या हालत 24 और 25 में होने वाली है। इसी से बौखला करके उनके कुर्सी जाने का जो डर है वो उनका सबसे बड़ा एक खौफ उनके दिमाग में बैठा हुआ कि कुर्सी वो कभी भी जाने देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ आप बात करेंगे हमारी पार्टी का सारे लोकसभा पे बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। हम लोगों ने अपने सारे संगठन बना लिए हैं, और देखिएगा आने वाले समय में एनडीए प्लस जो है कितना बड़ा एक एक भूमिका अदा करता है नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बाहर फेंकने में। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से कुर्सी से चिपके हुए हैं बरसों से, तो उनको रात में भी सपने आते हैं कि अब ये कुर्सी जाने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।